हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो 1801 करके मॉडल नंबर है। और इस मोबाइल के अंदर दोस्तों मैं आपको जो नेविगेशन बटन है जो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। नेविगेशन जो बटन है जैसे कि बैक वाला हो गया, राइट वाला हो गया और बीच वाला जो बटन है उसको हम यहाँ पर राइट लेफ्ट में कैसे कर सकते हैं और उसकी सेटिंग को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से हम नेविगेशन को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का लॉक को जो है अनलॉक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों ये वीवो का 1801 करके मॉडल है और इसको यहाँ पे मैं लॉक को अनलॉक कर लेता हूँ, ठीक है। अनलॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की साइड में जो आप बटन देख पा रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये वाला, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेविगेशन बार का काम करता है और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं या फिर आपकी डिस्प्ले टूट गई है तो आप इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों आपको जो बैक वाला जो बटन है ये वाला, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इधर लाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल का जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नेविगेशन सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा सेटिंग नेविगेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेविगेशन वाले सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ऊपर की साइड में नेविगेशन कीज का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद दोस्तों नेविगेशन गाइड का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट लेफ्ट के अंदर जो भी आपकी नेविगेशन बार है उसको आप यहां पे मोड चेंज कर सकते हो। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं नेविगेशन बार को, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा अभी नेविगेशन जो है कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पे नीचे की साइड में देख सकते हो तीनों बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे नेविगेशन गाइड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे जो लेफ्ट लाइट के अंदर जो चेंज करना है नेविगेशन बार को, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर एंड सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेविगेशन बार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेफ्ट जो बैक वाला जो बटन है अगर आपको यहाँ पे लाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ अगर ये वाला जो है आपको यहाँ पे लाना है और ये वाला इधर लाना है, तो दोस्तों आप इस यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ अलग टाइप से चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, इसके अंदर कलर भी डाल सकते हो नेविगेशन बार के अंदर। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ऊपर वाला जो है सेलेक्ट है, अगर आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये वाला आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा चेंज वाला जो है इधर आ गया है, बैक वाला इधर आ गया और राइट वाला इधर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप इनमें से कोई सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप अपना यहाँ पे नेविगेशन बार को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर कोई कलर भी डालना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे लाइट कलर भी डाल सकते हो, जैसे मैंने ये वाला डाल दिया है। अगर आप ये वाला डालना चाहते हो तो ये वाला डाल सकते हो, ये वाला डाल व्हाइट वाला डालना चाहते हो व्हाइट वाला डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे डन करूँगा। अगर आपको ये वाला रेड वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो ऊपर वाले को, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये वाला नीचे वाला रहने देता हूँ और इसको भी यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। ऊपर से ऊपर वाला भी राइट का बटन आ रहा है, उधर वाला और ये वाला दोनों हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अभी हम इसको बैक कर देंगे पूरा, और बैक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा नेविगेशन बार जो है यहाँ पे एकदम सही से वर्क करने लग गया है। तो यहाँ पे मेरा इधर से डिस्प्ले, अगर आपका डिस्प्ले टूटा हुआ तो इधर से बैक कर सकते हो, अगर आपका इधर से डिस्प्ले टूटा हुआ तो इधर भी आप बैक वाला ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना नेविगेशन बार को जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।